सुनो सरकार शिक्षक की दरकार। बालौदा बाजार जिले के कसडोल विकासखंड के आमगांव के स्कूल में पिछले एक महीने से ताला बंद है। दरअसल जो रीजन निकलकर सामने आया उससे आप चौंक जाएंगे, क्योंकि स्कूल में ताला बंद इसलिए है क्योंकि यहां पर शिक्षक नहीं है। लोग इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। शिक्षक की मांग को लेकर प्रशासन स्तर पर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। सुनो सरकार शिक्षक की दरकार। शिक्षक विहीन स्कूल, अंधकार में बच्चों का भविष्य। बलौदा बाजार में पढ़ेगा इंडिया नारा खोखला। कसडोल विकास खंड के आम गांव स्कूलों को शिक्षकों की दरकार। शिक्षकों के ना होने के चलते पिछले एक महीने से स्कूल में बंद है ताला। प्रशासन स्तर पर ग्रामीणों की नहीं सुनी जा रही गुहार। स्कूल यानी शिक्षा का वो स्थान जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, ये काम शिक्षक ही करता है। लेकिन अगर स्कूल हो और शिक्षक ना हो तो भला ये कैसे संभव है? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे गढ़ने वाले सियासत के लिए ये जान लेना जरूरी है कि देश के कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों का या तो अभाव है या फिर वो शिक्षक विहीन है। बलौदा बाजार जिले के कसडोल विकास खंड के आमगांव स्कूल के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां शिक्षकों के न होने के चलते पिछले एक महीने से ताला बंद है, जिसके चलते गांव के लोग आक्रोश में हैं और शिक्षक की मांग को लेकर वो प्रशासन स्तर तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं मिल पाया है। आज हमार गांववासी सरपंच महोदय पीओ करा जे रही है, कलेक्टर करा जे रही है शिक्षा के मांग करे बार, तो आज शिक्षा हमारे गांव में नहीं भेज सकिस तो नहीं भेजिस तो हम देखें व्यवस्था करूँ कह रही से, तो व्यवस्था नहीं हो पाईस तो आज वही व्यवस्था नहीं कर पाईस तेकर नाम से हमार लड़का माला हम अपन अपन घर लेगा था। आज हमारे प्राथमिक शाला आम गाँव के शिक्षक विहीन के कारण हम अपन जो लड़का है उमल अपन घर ले जाए बर सबो पालक मन हर आए हे, और जब तक हमर जो शिक्षक के पदस्थ नहीं कर जाही तब तक हमन हर अपन स्कूल बंद रखे रहो, ऐसे विचार करके आज हमन हर आए हमन। और पूर्व में हमारा अभी जो बीओ साहब बोले रही से कि जब तक शिक्षक हमन व्यवस्था कर देबो ऐसे के, लेकिन वो व्यवस्था नहीं कर पाइस एकर कारण हमन हर बीओ साहब से भी थोड़ा से रुष्ट हवन की काबर हमारे झूठी आश्वासन दे करके ओहर तालाबंदी रही से तेला चालू करेगी। अब हम जब तक उच्च अधिकारी नहीं आई तब तक से हमन हमर स्कूल पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों शाला बंद ही रहेगी। दरअसल आम गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल में केवल दो ही शिक्षक हैं, यह हाल सालों से चला आ रहा है। बता दे कि एक शिक्षक तो आते ही नहीं है और जो शिक्षक आ रहे थे वो सप्ताह में एक बार आते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि भला बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। ते कतका पढ़ा था, का नाम है तो? कतका पढ़ा था? छठवी। हाँ। तुम्हारा सर कौन है? बघेल। काय बघेल? काय बघेल? नाम बता रही है। और स्कूल आते तुम्हारे सर? एक दिन आते। फिलहाल आलम ये है कि गांव के लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया है और चौक में गांव के ही कुछ लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं अफसोस की बात तो यह है कि जिम्मेदार भी इस समस्या के मामले में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कब नींद टूटती है और कब पैच।
देखने वाली बात तो ये होगी कि कब उनकी नींद टूटती है और कब स्कूल को शिक्षक मिल पाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।